बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैं हूं मोहम्मद बिलाल इफ्तिखार खान और आप देख रहे हैं स्ट्रेटेजिक एनालिसिस ग्रुप। आज भी हमारी दरखास्त पे हमारे साथ मौजूद हैं कैप्टन रिटायर्ड अदीब-उज़-ज़मान सफ़ी साहब। रिटायर्ड हैं ये पाकिस्तान नेवी से, और आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे, हम सब एक बात करते हैं स्ट्रेटेजी की। स्ट्रेटेजी क्या है? स्ट्रेटेजी को आसान लफ्जों में डिफाइन किया जाता है, द आर्ट एंड साइंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पावर टू परसू नेशनल इंटरेस्ट एज डिफाइंड बाय पॉलिसी। अब इसमें नेशनल पावर क्या है, ये एक बहुत बड़ा अहम सब्जेक्ट है और इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप अपनी हुकूमत पे, जैसे कि हमने देखा कि जब 9/11 के वाकयात के बाद पाकिस्तान ने पॉलिसी अपनाई कि हम अमेरिका का साथ देंगे, तो उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी कि हमारी नेशनल पावर हमें उस चीज की इजाजत नहीं देती थी कि हम वो खतरात मोल लें जिसकी वजह से हम मजीद कमजोरी की तरफ जाएं। ये एक पॉइंट ऑफ व्यू है। ये जो नेशनल पावर होती है, ये बेसिकली इसके कुछ एलिमेंट्स हैं, उनका सम होता है। इसमें आपकी इकोनॉमी आ जाती है, इसमें आपकी लीडरशिप आइडियोलॉजी आ जाती है, इसमें साइज आ जाता है, आपकी मिलिट्री आ जाती है, नेशनल करेक्टर आ जाता है, नेशनल मोरल आ जाता है, और इन तमाम को जब सम किया जाता है तो एक आपके सामने जो चीज आती है कि आपकी नेशनल पावर इस वक्त कहाँ पे खड़ी है। सर, पहला सवाल मैं आपसे यही पूछना चाहूंगा कि स्ट्रैटेजी को समझने के लिए और जो एक नेशनल पॉलिसी जिसको जिसके तहत जो है ये स्ट्रैटेजी बनाई जाती है, उसके अंदर नेशनल पावर के कॉन्सेप्ट की क्या अहमियत है, और उसको समझना एनालिसिस के लिए जो जब हम तजिया करते हैं और हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान के एंकर्स, कई एंकर्स ऐसे हैं जिनको किसी किस्म का आइडिया नहीं है और वो बहुत अजीब अजीब बातें कर जाते हैं, कि लेफ्टिस्ट भी और राइटिस्ट भी, लेकिन हमें नजर आता है कि उन्हें शायद मालूम नहीं होता कि बेसिकली नेशनल पावर क्या है। तो आप नेशनल पावर के कॉन्सेप्ट को किस कदर अहम समझते हैं, खास तौर पर मीडिया के लिए समझने के लिए और एनालिसिस के लिए? जी, बहुत शुक्रिया बिलाल। बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट आपने चुना है आज के लिए, और मैं समझता हूँ कि न सिर्फ ये कि मीडिया के लोग जो हैं वो इससे सही तरीके से आशना नहीं है, बल्कि मेरी नज़र में तो इस वक्त जो हमारे पार्लियामेंटेरियन बैठे हुए हैं और जो डिसीशन मेकर हैं, उनको भी इस तरफ इसकी इतनी क्लैरिटी से समझ नहीं है। और ज़रूरी है कि नेशनल पॉलिसी से नेशनल एम क्या है, नेशनल एम से नेशनल पॉलिसी निकलती है, फिर नेशनल पॉलिसी के मुताबिक फिर आपके उसमें नेशनल ऑब्जेक्टिव्स आते हैं और उनको अचीव कैसे किया जाता है। यू अप्लाई योर एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पावर। तो नेशनल पावर जो है वो कंटेम्प्रेरी राइटर्स ने कहीं कुछ ने 10 गिने, किसी ने 12 गिने, बट फ्रॉम अबाउट 10 to 27 एलिमेंट्स गिने जाते हैं इन इन द नेशनल पावर। स्टार्टिंग जो एक बहुत कॉमन सी चीज है, मिलिट्री पावर, मैरिटाइम पावर, नेवल पावर, इकोनॉमिक पावर, ज्योग्राफी, लोकेशन, उसके साथ साथ आपकी पॉपुलेशन, फिर मुख्तलिफ राइटर्स ने इसको समाप्त किया। तो सर सबसे जरूरी चीज ये है कि वो लीडरशिप्स को ये चीज समझे कि हमारा एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पावर क्या है और हमारी स्ट्रेंथ कहाँ पर है और कमजोरी कहाँ। क्योंकि जब भी आप स्ट्रेटजी का लफ्ज़ है, ये आता है कि अप्लायंस ऑफ योर स्ट्रेंथ अगेंस्ट द वीकनेस ऑफ द एनिमी, सर ताकि आप अपने ऑब्जेक्टिव अचीव कर सके। तो जब हम अपने आएंगे यूटिलाइजेशन नहीं होगी, एंड दैट्स व्हाई हम देखते हैं मुख्तलिफ लीडरान जो है इस वक्त मुख्तलिफ स्टेटमेंट देते हैं जिनका एक्चुअल हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है, बिकॉज उनकी ये इसके बारे में समझ मौजूद नहीं है। जब तक हम इस अपने स्ट्रेंथ को सही तरीके से समझेंगे नहीं, हम उसकी एप्लीकेशन नहीं कर सकते। और उसके लिए जरूरी ये है कि आपकी बुनियाद जो है वो लीडरशिप की कैरेक्टर है। कैरेक्टर में क्या आएगा? उसकी जेन्युइन सिंसियरिटी टू द कमिटमेंट ऑफ द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान। आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान जब समझेंगे कि जो दो टू नेशन थ्योरी थी जिसके बिना पे सब बना और सारी चीजें अलग हुई, तो देन आपकी चीज समझ में आएगी। अभी मुझे मिसाल याद आ गई कि कायदे आजम ने कहा था कि टू नेशन थ्योरी के लिए कि हमारी कल्चर अलग है, मजहब अलग है, रहन सहन अलग, खाना पीना, एवरीथिंग इज सेपरेट, एंड दैट्स व्हाई ही क्रिएटेड दैट टू नेशन थ्योरी। उसके बरक्स
अफसोस के साथ कहना पड़ता है, जो 3 टाइम इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर साहब थे, नवाज शरीफ, उनका स्टेटमेंट आता है कि जी एक लाइन बीच में है और बाकी हम लोग तो एक जैसे ही वही खाते हैं, वही पीते हैं, वही सारा कुछ। सो ही डिड नॉट हैव द अंडरस्टैंडिंग कि ये जो आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान है क्या है, एंड हेंस वी वर वेरी अनफॉर्चुनेट टू हैव दैट काइंड ऑफ अ लीडर जो हमारे आइडियोलॉजी से जिसका कोई समझ नहीं थी। तो जब आइडियोलॉजी से आपकी समझ नहीं होगी तो आप नेचुरली एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पावर या एप्लीकेशन भी जो है वो भी गलत गलत होगी। तो इसलिए हमने देखा कि पिछले जो हुकूमत थी और उससे पहले वाली जो हुकूमत थी, इन इन सब में जो पोलिटिकल फुकदान था एप्लीकेशन ऑफ नेशनल पावर, वो इसी बुनियाद पर था, इसी वजह से था कि उनको आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान एंड कमिटमेंट टू द कॉज ऑफ द कंट्री वो बड़ा हेजी था, उनको समझ नहीं थी। हेंस दे वर नॉट एबल टू एस्टरटेन कि हमारी स्ट्रेंथ कहाँ पर है और हमारी वीकनेस कहाँ पर है और हम किस तरीके से अपने दुश्मनों को मुकाबला करेंगे, बोथ इन टर्म्स ऑफ आइडियोलॉजी, इन टर्म्स ऑफ ट्रीटिंग दम विद अपना स्ट्रेटेजिक जो बनाने है, साथ में एप्लीकेशन ऑफ दैट स्ट्रेटेजी इन टू टैक्टिकल फॉर्म जो कि आप बैटल फील्ड में करेंगे। तो ये इनका बड़ा आपस में रिलेशनशिप है, जब तक आप इस चीज को क्लियरली नहीं समझेंगे तो ये प्रॉब्लम रहेगा। सर हम बात करते हैं, अभी आपने भी बात की कि ज्योग्राफी बहुत अहम है और साइज बहुत अहम है, और तारीख में हम देखते हैं कि नेपोलियन ने जो गलती की वो बाद में हिटलर ने भी गलती की, कि जो रशिया का साइज था बेसिकली और उसकी जो ज्योग्राफी थी उसने उसको बहुत साथ दिया है, दो बड़े अटैक्स जो एक 18वीं में और दूसरा जो है ये पिछली सेंचुरी के अंदर जो हुआ। तो पाकिस्तान को जब देखते हैं, पाकिस्तान की ज्योग्राफी और पाकिस्तान का जो साइज है उसके हवाले में आप क्या समझते हैं कि कितना ये हमारी नेशनल जो पावर है, हमारी लोकेशन जो है वो एनहेंस करती है हमारी नेशनल पावर को? देखिए लोकेशन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान क्योंकि आप समंदर को समंदर का जो एरिया है देखिए यहाँ से गुजर रही है और आपका जो यहाँ पर लोकेशन मौजूद है इससे आप उन तमाम चीजों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं विद रिजल्ट की लोकेशन आई थिंक इन टर्म्स ऑफ सी एंड इन टर्म्स ऑफ लैंड आल्सो। ये आपके पास हर किस्म की मादनियात मौजूद है, हर किस्म की पहाड़, दरिया, डेजर्ट, हर ज्योग्राफी को देखा जाए तो हर जो ऑल द एलिमेंट्स जो आते हैं वो सारी चीजें मौजूद हैं। तो पाकिस्तान स्ट्रेटजिकली एंड ज्योग्राफिकली इज वेरी वेल लोकेटेड सो फार एज द एलिमेंट्स ऑफ पावर इज कंसर्न्ड। बिलाल आपकी आवाज बिल्कुल गायब हो गई है, आई कांट हियर योर क्वेश्चन। सर मैं आप मेरा सवाल ये था कि सर के करेक्टर, नेशनल करेक्टर, अभी आपने बात की कि नेशनल करेक्टर जो है बहुत अहम है बेसिकली हुकूमतों के लिए। हमने देखा कि अफगानों का नेशनल करेक्टर था जिसकी वजह से हमने देखा कि उन्होंने पहले रशियंस को हराया फिर अमेरिकन को भागने पर मजबूर कर दिया। जब हम पाकिस्तानियों का करेक्टर देखते हैं कि तो एक तरफ देखते हैं कि बहुत ज्यादा सखी हैं, जब कहीं पे मसला आता है तो सारे बाहर निकल आते हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम एक कुछ दिनों से कुछ सालों से एक डिटोरिएशन भी देख रहे हैं जो हमारे नेशनल करेक्टर के अंदर है, खासतौर पर नेशनल यूथ के ऊपर।
आप देख लें कि जो इम्तिहानात हमारे होते हैं, चीटिंग अब इतनी आम हो गई है कि वीडियोस निकल रही होती हैं और हुकूमतें जो हैं वो हमें बहुत ज्यादा नाकाम नजर आती हैं। इसी तरीके से आप देख लें कि अभी जो इकबाल पार्क के अंदर, लाहौर के अंदर वाकया पेश आया, उसमें आप छोड़ दें कि वो खातून कैसी थी, वो नहीं, लेकिन जिन जो वहां पे हमारी यूथ ने एक्ट किया वो जाहिर बात है हमारे लिए फख्र नहीं, शर्मिंदगी का बायस है। तो आप क्या समझते हैं कि इस वक्त जो एक डिटोरिएट हो रही है हमारी सिचुएशन कैरेक्टर के हवाले से, मॉरेलिटी के हवाले से, उसके जिम्मेदार कौन है? वालदैन है, असातजा है, या वो गवर्नमेंट्स हैं जिन्होंने कभी इस चीज के ऊपर तवज्जो ही नहीं दी कि वो कौम को मोटिवेट करके उनकी जो है सही जो है डायरेक्शन में उनको इंडोक्ट्रिनेट करके उनकी करेक्टर बिल्डिंग और मोरालिटी बढ़ाने के ऊपर तवज्जो दे? देखिए, आपने दो इम्पोर्टेंट चीज़ों के नाम लिया, एक वालदैन और एक असातिज़ा। बच्चों की नशोनुमा और तरबियत में इन दो का बहुत अहम किरदार है, क्योंकि जब स्कूल जाते हैं या कॉलेज जाते हैं, जो असातिज़ा के साथ जो वक्त गुजरता है और जो वहाँ देखते हैं, वो एक एक बच्चे के जहन जो है ब्लैंक कॉपी की तरह है। तो वो जब आपको जो देखता है वो उस पर नक्श होता जाता है, देखता जाता है। घर में वालदैन का बिहेवियर जो है वो देखता जाता है। अब एक छोटी सी मिसाल दूंगा कि आप बच्चों का कहने, तो बेटा झूठ बोलना बहुत बुरी बात है, ये कभी नहीं बोलना चाहिए। थोड़ी देर के बाद फोन आता है और कहते हैं, अब्बा फलाने साहब बोल रहे हैं। अब कहते, बोलो घर पे नहीं है। एक आम सी बात आपने कह दी, आम सी बात कह दी, लेकिन इसका इम्पैक्ट उस बच्चे के जहन पे क्या होता है। तो इसी तरीके से छोटी छोटी चीजें जो है, ये सब मिलके ये इंसान का कैरेक्टर बनता है, और उसी के साथ फिर माशरे का कैरेक्टर बनता है। इस पिछले 10-15 सालों में, जो बल्कि 20 सालों में, मैं समझता हूँ जिस तरीके से हुकूमत की जो 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 फोकस रहा है करप्शन का, हर किस्म की क्रिमिनल एक्टिविटीज को जायज को रवा रखेंगे, और ऊपर से जब इन दी एनवायरमेंट जो माहौल बना के रखा है, जहां पर सबसे बड़ी चीज है सजा और जजा, इसमें आपकी जुडिशरी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। मेरे ख्याल है जुडिशरी को पिछले 3 दिहाइयों से, बल्कि उससे भी ज्यादा, मेरी नजर में, मैं बड़े कॉन्फिडेंस से कहूंगा, डिसफंक्शनल है। बिकॉज उसने अभी तक किसी भी ऐसे जो जरायम हुए उनकी को पाए तकमील तक या उनको मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचाया। लेकिन सर इसकी बहुत सी इसका वजूहत होंगी, तो जिसमें ये कह सकते हैं कि आपने केस कमजोर बनाया, पुलिस ने काम गलत किया। बहरहाल एंड रिजल्ट ये रहा कि आपने उस जुर्म की सजा उस मुजरिम को नहीं दी। विद रिजल्ट जिसका आपने रेफरेंस दिया, जो अभी उसमें पार्क में जो वाकया हुआ है, ये उसी का शाखसाना है।